नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेरोजगार युवा 1,000 रुपए लेने के लिए यहां करे रजिस्ट्रेशन। जेपी गंगापथ पर स्टंट करने पर जुर्माना तय। बिहार में ओला उबर की तर्ज पर मिलेंगे कृषि उपकरण। इस साल के अंत तक होगी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति। पांड्या का बड़ा बयान, मैं यहां किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं हूं। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे भर्ती सेल उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर ने निकाली रिक्तियां। रेलवे भर्ती सेल RRC उत्तर पूर्व रेलवे NER गोरखपुर ने जूनियर तकनीकी सहयोगी के कुल मिलाकर 20 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास कार्य विद्युत TRD सिग्नल है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या डिप्लोमा या फिर 60% अंकों के साथ समकक्ष कोई डिग्री अनिवार्य किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट NER.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बेरोजगार युवा 1,000 रुपए लेने के लिए यहां करें रजिस्ट्रेशन। बिहार में अगर आप बेरोजगार हैं तो आपकी मदद बिहार सरकार कर रही है। नीतीश कुमार सरकार हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद बेरोजगारों की कर रही है। आपको बता दें कि ये योजना सिर्फ बेरोजगारों के लिए है और अगर कोई नियमित रूप से रोजगार पाने वाला इस योजना का लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पहले ये योजना केंद्र की तरफ से शुरू की गई जो अब राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो www.satnishchay-yuva-upmission.bihar.gov.in पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद साइनअप के लिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं। इसके बाद बिहार बेरोजगारी भत्ता ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसे आपको भरना होगा और बाद में सबमिट कर देना होगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे इकबाल दुरानी की। इकबाल दुरानी एक भारतीय लेखक, निर्देशक, अभिनेता और हिंदी फिल्मों के निर्माता है। इकबाल दुरानी का जन्म बिहार के बांका जिले में हुआ था। इकबाल दुरानी ने अब तक के अपने फिल्म करियर में कई फिल्मों का निर्देशन किया है जिसके तहत इस साल 1988 में कालचक्र की पहली फिल्म इकबाल दुरानी के डायलॉग इस फिल्म के स्मैश हिट रहे थे। इसने रजत जयंती पूरी की और संवादों के ऑडियो कैसेट जारी किए। 1988 में मेरा शिकार डिम्पल कपाड़िया के साथ 100 दिन में पूरे किए। 1989 खोज ने 100 दिन पूरे किए और इसके साथ ही 1989 में मजबूर, जितेंद्र और सनी देओल के साथ रजत जयंती संवादों की ऑडी कैसेट जारी की और इसके साथ ही 1989 शिव नागार्जुन और आमला उनकी पहली हिंदी फिल्म रजत जयंती डायलॉग्स की ऑडियो कैसेट जारी हुई। 1990 में शानदार मिथुन चक्रवर्ती 100 दिन में उन्होंने इस फिल्म को पूरे किए। इसके अलावा भी कई फिल्मों का निर्माण उन्होंने किया है। जेपी गंगापथ पर स्टंट करने पर जुर्माना तय। हाल ही में बिहार के नीतीश सरकार ने जेपी गंगापथ का उद्घाटन किया है जिसके बाद से ही इस पथ का परिचालन अब शुरू हो गया है। इसके बाद अब इस पुल पर स्टंट करने वाले भी एक आधा देखे गए हैं जिसके बाद से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ने लगी है। इस बीच अब सड़क पर स्टंट ना हो इसके लिए CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं। अब ऐसा करने वाले वाहनों का कैमरे से फोटो लेकर जुर्माने की चालान राशि उनके मोबाइल पर भेज दी जाएगी। यानी कि अब साफ है कि अगर आप आने वाले समय में जेपी गंगापथ पर स्टंट करते देखे गए तो आप भी नप जाएंगे। बिहार में ओला उबर की तर्ज पर मिलेंगे कृषि उपकरण। बिहार के किसान अब आसानी से उपकरण ले सकेंगे क्योंकि बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत पहले चरण में 2,927 पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 439 करोड़ रूपये का फंड जारी हुआ है। अब तक 1803 पैक्सों में यंत्र बैंक बनाकर तैयार हो चुके हैं और 5 जुलाई तक इसके शुरू होने की संभावना है। अभी ये काम ऑफलाइन माध्यम से हो रहा है मगर जल्द ही चुनिंदा पैक्सों में संयंत्र बैंक बनाकर इन्हें विशेष मोबाइल ऐप से जोड़ा जाएगा। ऐप निर्माण की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। बिहार में बरकरार है मॉनसून की बेरुखी। बिहार में मॉनसून अब मनमौजी बन गया है। बिहार में मॉनसून का प्रवेश भी हो गया। वहीं पिछले एक पखवाड़े के दौरान बिहार में छिटपुट बारिश को छोड़कर अब तक कहीं भी झमाझम बारिश नहीं हुई है। पटना में मॉनसून के बादलों की आंख मिचौली लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह के दौरान पटना में कभी कभार छिटपुट बारिश देखने को मिली लेकिन अभी भी लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली है। वहीं राज्य के बाकी बचे के जिलों का हाल भी बेहाल है। उत्तर बिहार के जिले हो या फिर दक्षिण बिहार के जिले, हर तरफ बारिश बेमानी बना हुआ है। यहां तक कि अभी तक अधिकांश जिलों में बारिश औसत से काफी कम हुई है। बारिश नहीं होने के कारण पूरे राज्य में भीषण गर्मी का कहर जारी है। सुबह से ही उमस और तेज धूप से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। इस साल के अंत तक होगी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति।
बिहार में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति अब इस साल के अंत तक होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके तहत ही बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर इस साल के अंत तक 4638 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में बीते दिन पटना में शिक्षा विभाग की बैठक में तैयारी शुरू करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की उपस्थिति में हुए इस बैठक में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति को लेकर कार्य योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने के आवश्यक संसाधन मुहैया कराने की मांग भी की गई है। बिहार के शुगर फ्री आम की खूब हो रही है चर्चा। गर्मी के मौसम में आम को लेकर लोगों की काफी दिलचस्पी देखने को मिलती है। आम के भी कई वैरायटी बिहार में मौजूद है। इसी बीच अब आम की मिठास की वजह से शुगर के मरीजों के लिए इस फल को खाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब बिहार के लिए एक किसान की बदौलत शुगर के मरीज भी आम का लुफ्त उठा सकेंगे। मुजफ्फरपुर के किसान भूषण सिंह के बगीचे का आम आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। इस आम का रंग, शेप, साइज सामान्य आमों से बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही ये आम शुगर फ्री है और इसका नाम अमेरिकन ब्यूटी है। ड्रग इंस्पेक्टर के घर मिला नोट ही नोट। बिहार में इन दिनों एक के बाद एक धन कुबेरों की जानकारी निकल करके सामने आ रही है। इस बीच बिहार में बीते दिन एक और बड़ा खुलासा हुआ। बिहार में निगरानी विभाग इन दिनों आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के यहां दबिश दी। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और अन्य दस्तावेज बरामद होने की सूचना मिली है। मिल रही जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के सुल्तानगंज आवास से भी लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिसका आकलन किया गया है। रेलवे का टेंडर लेना हुआ आसान। भारतीय रेलवे के किसी भी फील्ड यूनिट की नीलामी में भाग लेने के लिए वर्तमान समय में केवल एक बार पंजीकरण करने की आवश्यकता होने वाली है। इसको लेकर अब रेलवे ने राहत दे दी है। रेलवे के विभिन्न टेंडर में भाग लेने के लिए बोलीदाताओं को अब बार बार पंजीकरण नहीं कराना होगा। देश में कहीं भी स्थित किसी भी बोलीदाता को पोर्टल के माध्यम से भारतीय रेलवे के किसी भी फील्ड यूनिट की नीलामी में भाग लेने के लिए केवल एक बार पंजीकरण करने की आवश्यकता है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में भी ये व्यवस्था शुरू हो गई है। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पिछले एक महीने में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रेल के 9 जोन के 11 मंडलों में यह व्यवस्था लॉन्च की गई है। इस दौरान 128 करोड़ की 80 अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है। इससे न केवल रेलवे की कमाई बढ़ेगी बल्कि कारोबार सुगमता के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिलेगा। आयकर रिफंड और असेसमेंट ऑर्डर नहीं मिलने से परेशान हुए बिहारवासी। आयकर पोर्टल कहने को ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन अब भी कई लोगों को आयकर से जुड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। कुछ लोगों को अब आयकर रिफंड मिलने में परेशानी भी हो रही है, तो कुछ लोगों को पिछले साल का ही असेसमेंट ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों से रिफंड से जुड़े मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। इनकम टैक्स एडवोकेट मनीष बेनेटिया कहते हैं कि आयकर वेबसाइट के अपडेशन में अभी काफी समय लगता है। रिफंड में कई तरह के मामले लेकर लोग आते हैं। कई लोगों ने ITR फाइल करने के बाद पार्टली रिफंड भी मिला है। ऐसे लोग परेशान हैं कि उन्हें रिफंड की राशि कम क्यों मिली है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। बिहार में नदियां उफान पर। बिहार में नदियां उफान पर नजर आने लगी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात अभी से ही देखने को मिल रहे हैं। एक बार फिर से लोगों के घर, खेत, खलिहान जलमग्न हो गए हैं। दरअसल बिहार में नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। नेपाल ने जल ग्रहण क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के बाद भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया है, जिसके कारण कोसी, बागमती, कमला बलान सहित कई नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है। वहीं बिहार में मॉनसून ने आफत को और बढ़ा दिया है। खासकर तराई इलाके में लोगों का जीना अभी से मुहाल कर दिया गया है, जिसके तहत ही सहरसा में खेत खलिहान डूब गए हैं। वहीं नेपाल सीमा पर कोसी के मुहाने पर बसा सुपौल जिले में भी यही हाल है। बेलागोट गांव के करीब 80 घर नदी में समाये हुए हैं। बिहार के पावापुरी में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पावापुरी, जिसे पावा भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर और बोधगया के समीप स्थित एक स्थान है। ये जैन धर्म के मतावलंबियों के लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है। भगवान महावीर को यहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यहाँ के जल मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। संपूर्ण शहर कैमूर की पहाड़ी पर बसा हुआ है। 13वीं शती ईसा में जिन प्रभु सुरीज ने अपने ग्रंथ विविध तीर्थकल्प रूप में इसका प्राचीन नाम अपापा बताया है। पावापुरी का अभिज्ञान बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से 9 मील पर स्थित पावा नामक स्थान से किया गया है। ये स्थान राजगृह से 10 मील दूर है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का सूचक एक स्तूप अभी तक यहाँ खंडहर के रूप में स्थित है। पटना एयरपोर्ट पर फिर टला बड़ा हादसा। पटना एयरपोर्ट पर एक के बाद एक हादसे हो ही रहे हैं। हाल ही में बाल बाल बचे यात्रियों के बाद अब उम्मीद की जा रही थी कि अब विमान में कोई खराबी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसके ठीक उलट बीते दिन एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा फिर से टला। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार
पटना से गुवाहाटी जा रहे विमान में टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी आने के बाद विमान के यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया है। स्पाइस जेट के विमान SG-3724 में आई तकनीकी खराबी आने के बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शनिवार की दोपहर पटना से गुवाहाटी जाने वाली स्पाइस जेट की विमान एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी थी। विमान टेक ऑफ के लिए जैसे ही आगे बढ़ी उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई थी। जल्द ही तेज प्रताप एक आईएएस अफसर के कुकर्मों का करेंगे खुलासा। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहने वाले तेज प्रताप यादव जल्द ही कुछ बड़ा करने वाले हैं। इसको लेकर अब उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार वो जल्द ही बिहार के एक सीनियर आईएएस के कुकर्मों का खुलासा ऑडियो और कागजात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द करेंगे। विद्युत आघात उन्होंने बताया है कि जिस महिला ने आरोप लगाए थे उसी केस से जुड़े वो अफसर है। कहा जा रहा है कि इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। इसी से संबंधित ऑडियो तेज प्रताप के पास है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनके पास प्रमाण के लिए कागजात और ऑडियो है। बहुत जल्द इसे सार्वजनिक करेंगे। राज्य के अतिक्रमण वादों का जल्द होगा निपटारा। बिहार में जल्द ही अब अतिक्रमण हटाने का काम होने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य में अतिक्रमण के मसले को गंभीरता से लिया है। साथ ही सरकारी भूमि और जल निकायों से जल्द अतिक्रमण हटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। इसके लिए विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने अतिक्रमण वादों को हर हाल में तय समय से निपटारा करने का निर्देश दिया है। हालांकि राज्य में पोखर, तालाब, झील, आहर, पइन, नहर, जल निस्सकरण नलिकाएं और नदियों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई प्रगति पर है। अब तक कुल लगभग 70,000 अतिक्रमण जल निकायों में से आधे में अधिक को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। अग्निपथ योजना के विरोध में कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की शुरू हुई तैयारी। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में शुरू हुए विरोध में अब कोचिंग संचालकों की भूमिका की जांच की जा रही है। मुजफ्फरपुर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय ने जिले के कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल की तरफ से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाले कोचिंग और इसके निबंधन की जानकारी मांगी है, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण का नाम शामिल है। हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बीते दिन बिहार के हाजीपुर पहुंचे, जहां पर ही पहुंचकर उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर एक के बाद एक निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सुशासन के लाख दावे कर ले, लेकिन बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार जंगल राज का विकल्प बंद कराए थे। बिहार में हर रोज अपराधी लूट, हत्या और बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिहार में अपराधियों द्वारा मौत का तांडव मचाया जा रहा है। बिहार में अपराधियों को पकड़कर फांसी पर लटकाना होगा, तब जाकर अपराध नियंत्रित होगा। बिहार में अपराधियों को प्रशासन का कोई डर नहीं है। अपराधी बेहिचक अपराधियों घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सीपीआई ने किया आंदोलन का समर्थन। भाकपा ने 29 जून को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्र युवा आंदोलन का समर्थन कर दिया है। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में भाकपा के राज्य सचिव का राम नरेश पांडे ने कहा है कि मोदी सरकार की सेना के लिए अग्निपथ योजना देश और युवाओं के भविष्य के साथ न केवल मजाक है, बल्कि उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। हम इसके खिलाफ सदन में सड़क तक संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि पार्टी इस सवाल पर बिहार के सदन में भी आवाज बुलंद करेगी। राम नरेश पांडे ने कहा कि 29 जून को राज्य के छात्र युवा संगठनों की तरफ से विधानसभा मार्च का भाकपा समर्थन करती है और बिहार के छात्र युवाओं से इसमें बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील करती है। आमिर खान के सामने अक्षरा सिंह ने खोले दिल के राज। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह न सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में बल्कि हर इंडस्ट्री में छा गई है। अक्षरा की फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि सब उनकी लाइफ में जानना पसंद करते हैं। अब अक्षरा सिंह की पॉपुलैरिटी ही है कि आमिर खान ने उन्हें स्पेशली बुलाया और उनकी लव स्टोरी के बारे में जानना चाहा। दरअसल हाल ही में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का गाना फिर ना ऐसी रात आएगी रिलीज हुआ है। इसी गाने के लिए आमिर ने कई सोशल मीडिया स्टार को बुलाया, जिसमें से एक अक्षरा सिंह भी थी। इस दौरान आमिर ने अक्षरा सिंह से उनकी पर्सनल और लव लाइफ के बारे में पूछा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पहली ग्राम प्री का आयोजन 1906 में हुआ था। ये प्रतिस्पर्धा 12 घंटे चली थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 को देश में आपातकालीन की घोषणा आज के दिन की थी। एयर इंडिया का पहला बोइंग गौरीशंकर 1982 को मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उत्तराखंड में 2013 को एक बचाव हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 20 लोगों की जान गई थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो रिटो ने 2008 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में छतरपुर जिले के तहत हीरा खनन के लिए खनिज पट्टा माइनिंग लीज हासिल कर डायमंड प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की। परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे का जन्म 1918 में हुआ। भारतीय फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन 2004 में हुआ।
IRCTC अकाउंट को लेकर तुरंत करें ये काम, वरना होगा बड़ा नुकसान। IRCTC ने पिछले दिनों ही ट्रेन टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया। नए नियमों के मुताबिक IRCTC से अब एक यूजर महीने में पहले से दोगुनी टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट बुकिंग की संख्या बढ़ाने का यात्रियों को बहुत फायदा होगा, लेकिन IRCTC ने साफ किया है कि दोगुनी टिकट वो ही यूजर बुक करा सकेंगे जिन्होंने IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किया है। आधार से IRCTC अकाउंट लिंक करने के बाद आप एक महीने में 24 ट्रेन टिकट IRCTC की वेबसाइट और ऐप पर बुक कर सकते हैं, अन्यथा केवल 12 टिकट ही खरीदे जा सकते हैं। दीपान्या का बड़ा बयान, मैं यहाँ किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं हूँ। भारत और आयरलैंड के बीच आज खेले जाने वाले मैच से पहले हार्दिक से जब पूछा गया कि आप खुद को किस तरीके से साबित करेंगे क्योंकि सीरीज के बाद आप कप्तान नहीं होंगे, इस सवाल का हार्दिक पांड्या ने बखूबी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं हूँ, मुझे भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं किसी को कुछ दिखाने के लिए ये खेल नहीं खेलता हूँ, मैं काफी अच्छा हूँ, मैं देखूंगा भविष्य में, अन्यथा किसी भी चीज से ज्यादा मैं सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि मैं इस श्रृंखला में क्या ला सकता हूँ। पटना में अलर्ट मोड पर नगर निगम। पटना में जल जमाव से निपटने के लिए पटना नगर निगम की तरफ से क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, क्योंकि मॉनसून का समय आ गया है। ऐसे में अब पटना नगर निगम सक्रिय हो गया है, जिसके बाद ही अब शहर के किसी भी क्षेत्र में जल जमाव की शिकायत मिलने के 15 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचेगी और समस्या का समाधान करेगी। इसके लिए निगम की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। पटना नगर निगम द्वारा क्विक रिस्पांस टीम को विशेष वाहन भी मुहैया कराए गए हैं। इन वाहनों में पानी की निकासी के लिए उपयोगी सभी उपकरण मौजूद रहेंगे। शहर के 19 जोन के लिए भी 19 गाड़ियां उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें किसी भी वार्ड में जल जमाव की स्थिति में कोई भी परेशानी नहीं हो। बिहार में मिले कोविड-19 के 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 155 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव केसेस की संख्या 638 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 1, बांका में 4, बेगूसराय में 2, भागलपुर में 17, भोजपुर में 1, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 12, जहानाबाद में 4, खगड़िया में 4, लखीसराय में 3, मधुबनी में 2, मुंगेर में 2, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 1, पटना में 61, पूर्णिया में 2, रोहतास में 4, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 5, सारण में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 3, वैशाली में 3 और वेस्ट चंपारण में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 4 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,29,174 सैंपल की जाँच की गई। वहीं इस दौरान 92 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, नुनू कुमार, सचिन कुमार, गायत्री देवी, ध्रुव कुमार, जितेंद्र कुमार, सुवेश कुमार, प्रहलाद कुमार, नीरज कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बाढ़ को लेकर बिहार सरकार की तरफ से बाढ़ पूर्व की जा रही तैयारियों से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।